रतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी हम ममता तिवारी राउर पसंदीदा शो ओ वुमनिया के लेके। ए प्रोग्राम में हम बताई ले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल हर वो तमाम खबर के जो जनला के बाद रउआ सबके होखी बहुत खुशी। तो चलिए शुरुआत कइल जाओ आ जानल जाओ पहला खबर। दो दिन बाद यानी 13 अप्रैल के सिंगर आलोक कुमार के फिल्म देखे के मिली। फिल्म के नाम बटे दुल्हा हिंदुस्तानी। डीजी मेड टेलीफिल्म्स एंड आलम ब्रदर्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनल भोजपुरी फिल्म दुल्हा हिंदुस्तानी 13 अप्रैल से पूरा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित कर दिहल जाई। फिल्म के निर्माता मंजूर आलम के ए फिल्म में गायक आलोक कुमार आ गायिका प्रिया सिंह के जोड़ी एके साथे धमाल मचावत नजर आई लोग। गायक से नायक बनल आलोक कुमार ए फिल्म में कई बेहतरीन गाना भी गैले बड़े आ साथे ही अपन किरदार के बड़ा बखूबी तरीका से निभावत नजर आई हैं। फिल्म दुल्हा हिंदुस्तानी इनाम जितना आकर्षित बा उतने ही फिल्म भी लोग के अपना तरफ खींचे में कामयाब रही। कहानी गाना और सब कलाकार द्वारा निभावल गई भूमिका के दर्शक बेहद पसंद करी हैं। कई बेहतरीन फिल्म के निर्देशन करे वाला निर्देशक महमूद आलम ए फिल्म के निर्देशन कैले बड़े जो दर्शक लोग के बहुत पसंद आई। गीत लिखले बड़े परमेश्वर प्रेमी नौशाद खान लक्ष्मण जी रमेश राज यादव राज। फिल्म के मुख्य कलाकार में आलोक कुमार प्रिया सिंह राहुल कपूर अनारा गुप्ता नजर आई लोग। बढ़ल जाओ आगे जानल जाओ अगला खबर जो जुड़ल बाटे भोजपुरी के सबसे महंगा फिल्म दबंग सरकार से। भोजपुरी के सबसे महंगा फिल्म दबंग सरकार संगीत आ सैटेलाइट राइट यशी म्यूजिक भारी रकम में खरीद ले बा। जानकारी खातिर बता दें कि निर्देशक योगेश राज मिश्रा ए बात के जानकारी खुद देले बड़े आ कहले बड़े कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव फिल्म दबंग सरकार एक अलग जोनर के फिल्म बाटे जेकर संवाद डायलॉग कॉस्ट्यूम गीत संगीत आर्ट फाइट आदि पर काफ़ी बारीकी से काम कैल गई बाटे। फिल्म के टीजर जल्द ही यशी म्यूजिक से रिलीज कर जाई। फिल्म में खेसारी लाल यादव के अपोजिट दू गो नया अभिनेत्री नजर आई लोग। इनमें एक आकांक्षा अवस्थी आ दूसरे दीपिका त्रिपाठी नजर आई हैं। दोनों कमाल के एक्ट्रेस बाड़ी जा आ उम्मीद बटे कि ऑन स्क्रीन खेसारी के साथ ही दोनों लोग के जोड़ी बहुत पसंद कर जाई। खेसारी लाल यादव के साथे ये लोग की जोड़ी खूब जमी आ दर्शक के भी पसंद आई। ए फिल्म में खेसारी लाल यादव पुलिस अफसर के भूमिका में नजर आवे वाला बड़े। यही फिल्म में विलेन के किरदार में संजय पांडे समर्थ चतुर्वेदी आ विनीत विशाल सब लोग नजर आई लोग। योगेश मिश्रा कहले बड़े कि हम ऐसे तो 10-15 साल से इंडस्ट्री में बनी लेकिन भोजपुरी फिल्म के निर्देशन पहले बार करे जा रहा बनी। एक जरिए हम ओ चीज के पर्दा के माध्यम से लोग के बीच लेके आवल चाहतनी जे हमार क्रिएशन होखी। दबंग सरकार ऐसा ही एगो फिल्म बटे जेमें लोग के सामने उ लेके आ रहल बड़े। बता दें कि भोजपुरी फिल्म दबंग सरकार के प्रोड्यूसर दीपक कुमार राहुल वोहरा बड़े, लेखक मनोज पांडे बड़े, संगीतकार धनंजय मिश्रा आ को प्रोड्यूसर दिनेश तिवारी आ प्रचारक संजय भूषण पटियाला। तो बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बाटे एक अगला फिल्म से मनातू प्रखंड के पद्मा गांव में गुरुवार के रात भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में बहुत जूता चप्पल बरसल। लोग कार्यक्रम स्थल पर रखल 400 से अधिक कुर्सी तोड़ फोड़ कल गई कुर्सी का साथे आ एकरा चलते आगे के कुर्सी पर बैठे खातिर तनी मनी शोर शराबा शुरुआत में भइल आ हंगामा के शुरुआत पीछे के तरफ से पत्थर चलावे से भइल। हंगामा का कारण खेसारी कार्यक्रम के बीच में ही छोड़कर चल गए हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन स्थानीय विधायक देवेंद्र कुमार सिंह कैले। खेसारी लाल के कार्यक्रम के शांति व्यवस्था बनाए रखे खातिर काफ़ी संख्या में पुलिस भी लगावल गए रहे। एक बावजूद लोग पत्थर चप्पल फेंके से बाज ना आए। लोग के शांत करवावे खातिर पुलिसों काफ़ी प्रयास कैलक लेकिन लोग ना मानल आ कुर्सी फेंके के दौरान लेस्लीगंज के एगो युवक घायल भी हो गए। खेसारी लाल के कार्यक्रम के देखे खातिर लोग के काफ़ी भीड़ जमा हो गए रहे। जगह कम आ लोग ज़्यादा रहे आ सब लोग 3 बजे से कार्यक्रम स्थल में आवे के शुरू हो गए रहे। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर रउआ सभे ई तस जानते बानी के खेसारी लाल यादव पर लाग चुकल बा गाना चोरी करे के आरोप जौन की उस सिरे से नकार रहल बड़े। बता दी कि खेसारी लाल यादव के आवे वाला फिल्म दुल्हन गंगा पार्के के ट्रेलर यूट्यूब से हटा देवल गई बटे आ एकर कारण बा कि ई ट्रेलर में एगो गाना जवानी लेके उड़ जाई कौआ के भोजपुरी म्यूजिक कंपनी दावा द्वारा कैल गई बटे कि ये गाना पहले कोनो और सिंगर द्वारा गावल
जा चुकल बा जौन की खेसारी लाल कॉपी कैले बड़े, जबकि खेसारी लाल यादव के ऊपर लगावल गई ई आरोप एकदम झूठ बटे। जे गाना खेसारी लाल ही 2016 में गैले रहले, लेकिन केहू और ई गाना के अपन गाना बता के खेसारी लाल पे कॉपीराइट के आरोप लगा रहल बा, जेकरा कारण दुल्हिन गंगा पार के ट्रेलर डिलीट करे के पड़ल। आ बता दीही कि ऐसन खबर आ रहल बा कि ई गाना खेसारी लाल के ही गावल बा, लेकिन उनकर खिलाफ कोनो साजिश चल रहल बा। तो ई रहे आज के कुछ ताज़ा खबर जे हम रउआ सबके बतैनी। तो चले के समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले हम बताई ले एगो मैसेज जे भेजले बड़े बादल राज। लिखत अरे, चेहरा देखकर मत समझो अच्छा है उसका दिल देखिए। आकांक्षा अवस्थी सही बोली है, हीरो देखकर फिल्म नहीं करना चाहिए। फिल्म का क्या कॉन्सेप्ट है उसे देखकर फिल्म करना चाहिए। क्या उस फिल्म में अश्लीलता है? खेसारी की इसलिए तारीफ की है क्योंकि 2017 में मेहंदी लगा के रखना अपने फिल्म में बहुत सुधार किए हैं। अपने फैमिली साथ में खेसारी लाल के फिल्म देख सकते हैं। आई लव यू खेसारी भाई, इसी तरह आप तरक्की करते रहें और सबसे आगे रहें। तो अगर सुन रहल बने खेसारी तब बादल के मैसेज पर गौर जरूर फरमाएं। तो हम जातनी, लेकिन कहल चाहें कि नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के रउआ लोग सब्सक्राइब करल बिल्कुल मत भूलें। लोग हमरा के दी इजाजत, प्रणाम। लावे यारी तो हर नैना कारी कारी, ब्यूटी के खजाना तो हर करे बमबारी। दिल पे चलावे यारी तो हर नैना कारी कारी, ब्यूटी के खजाना तो हर करे बमबारी। फसल बा दिल, फसल बा दिल तोरा नथिया के बिल में, फसल बा दिल तोरा नथिया के बिल। सामने हजारों के करोड़ों के भीड़ में निधि झा ने खेसारी को लभी बोल दिया। Thank you.
69 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी आ लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई।